हाल ही में वजारत सेहत ने कौमी असम्बली में आदाद व शुमार पेश की है, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में जहनी अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है और मुल्क भर में 8 करोड़ अफराद नफसियाती मसाइल का शिकार हो चुके हैं। मुल्क में 8 करोड़ लोग नफसियाती मसाइल का शिकार हो गए हैं। वजारत सेहत के कौमी असम्बली में जमा कराए गए तहरीर जवाब के मुताबिक तकरीबन 8 करोड़ बालिग पाकिस्तानी नफसियाती मसाइल का शिकार हैं। खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के अंदर 8 करोड़ पाकिस्तानी जहनी मरीज हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, माहिर नफसियात के पास मौजूद है, डॉक्टर्स के पास चले गए, पागल खानों में मुंतकिल हो गए। 25 करोड़ से ज्यादा की आवाम है पाकिस्तान की, जिनमें से अकेले 4 करोड़ ही भिखारी है। 8 करोड़ लोग पागल हो चुके हैं, बाकी जो बचे कुछ हैं उनका क्या काम बाकी रह गया है? वो आजाद हुआ ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे। कर रहा हूँ 8 करोड़ पाकिस्तानी माइंडली टोर पे ज़हनी डिप्रेशन के मरीज हैं। 8 करोड़ लोग। अब जो हालात है ये पुल टूटने के करीब है। अच्छा, ये इतना बड़ा नंबर है और हम हर दूसरे बंदे को कहते सुनते हैं तुम तो नफसियाती हो गए हो, तुम तो ज़हनी में किसी बीमारी में मुब्तला हो, और ये बाकायदा नंबर काउंट करने के बाद पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई है कि जिसके मुताबिक 8 करोड़ पाकिस्तानी, जिसमें मर्द और ख़वातीन तमाम लोग ही शामिल है, ज़ाहिर है 2017 में ज़हनी और नफसियाती बीमारी में मुब्तला लोगों की तादाद जो थी वो थी 24 लाख। तो 2024 तक बहुत ज़्यादा बढ़ती तो ये कोई 50-60 लाख 70 लाख तक पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 8 करोड़ पाकिस्तानी, ये हमारी आबादी का कितना फीसद बनता है? तो क्या मुझे ये बताएगा कि हमेशा जज्बे की बात बोली जाती है, वो जज्बा कहाँ जाएगा जहाँ आवाम पागल हो रही है? वो जज्बा पता नहीं कहाँ, जन्नत में ही जाएगा शायद। 72 हूरों के पास। 72 हूरों के पास, ये मुझे आपने बता दिया 72 हूरों का, ये थैंक यू। कह रहे थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में 8 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, यानी वो पागल हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 80 मिलियन यानी 8 करोड़ पाकिस्तानी पागल हो गए हैं, क्योंकि अचानक से उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के परवरिश के लिए पैसे नहीं है, यहाँ तक कि 2 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं है। ऐसे में एंजाइटी और डिप्रेशन के चलते वो पागल हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश किया है जिसमें बताया गया है कि लोग मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार और महंगाई के चलते लोग पागल हो गए हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों इसके शिकार हो रहे हैं, लेकिन पुरुष पर इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट और बिजनेसमैन सब इसके चपेट में हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक बात है। 25 करोड़ की आबादी में से 8 करोड़ लोग मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट और आई थी जिसमें बताया गया था कि 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जो भीख मांगते हैं, और लगभग पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी या तो वो पागल हो गए हैं या फिर वो भीख मांग रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान के मेंटल डिसऑर्डर होने का एक कारण इजराइल का पैलेस्टाइन पर अटैक करने का भी है। खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के अंदर 8 करोड़ पाकिस्तानी जहनी मरीज हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, माहिर नफसियात के पास मौजूद है, डॉक्टर्स के पास चले गए, पागल खानों में मुंतकिल हो गए। 25 करोड़ से ज्यादा की आवाम है पाकिस्तान की, जिनमें से अकेले 4 करोड़ ही भिखारी है। 8 करोड़ लोग पागल हो चुके हैं, बाकी जो बचे कुचे हैं उनका क्या काम बाकी रह गया है? पाकिस्तान के अंदर मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। जो आवाम हमेशा से अपने जज्बे का दावा करती थी कि पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, हम किसी भी कंट्री का गरूर खाक में मिला सकते हैं, दुश्मन का गरूर खाक में मिला सकते हैं, अब वही जहनी मरीज हो चुकी है, पागल हो चुकी है, ऐसी आवाम क्या करेगी, किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी, हम मुल्क के लिए कैसे काम करेगी? सारी बात है, महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने आवाम का दिमाग ही खराब करना है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? और इसके अलावा और घरेलू टेंशन्स हैं, बिल इतने आ रहे हैं, और आपको पता है कि हर चीज़ पे इतनी महंगाई हो गई है। बस अभी तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इस कंट्री को फतह करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, उससे पहले हम जहनी मरीज हो गए हैं। ये तो वक्त और हालात बताते हैं ना, आप जानती हैं बेहतर तरीके से। मेरा ख्याल है कि मतलब जो हमारी आजकल चल रही है ना कोई बिजनेस है पाकिस्तान में, ना तो कुछ और है, ठीक है, तो लोगों ने पागल ही होना है, तो क्या और होना है? ऊपर से हमारी हुकूमत जो है चीज़ें बनाई जा रही है और कोई काम कर नहीं रही, कोई मतलब करें ये कोई मतलब हमारे लोगों के लिए काम करें, कोई बिजनेसेस के लिए काम करें या कुछ इस तरह करें, तो वही है ना, फिर ही मतलब लोग भी थोड़े से मेंटली स्टेबल होंगे। क्या ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी ही पागल हो गए हैं?
मेरे ख्याल से तो मतलब मेन रीज़न तो यही है कि पैसे नहीं है इधर, ठीक है, ऊपर से जितने बिल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इस तरह ऐसा तो बहुत है। जो भिखारी हैं वो भी 42 बिलियन डॉलर्स कमाते हैं, पैसा ये नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा तो बहुत है। पैसा मुझे नहीं लगता कि है, एवं अगर होता तो मतलब हमारी कंट्री गरीबों में से कंट्री ना हो रही होती। बस चाइना हमारी मदद कर पाएगा अगर कभी हमें, क्योंकि आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी आवाम तो टून हो गई है, तो क्या कहते हो कभी अगर ऐसा मौका आ जाए तो चाइना या कोई और हमारी मदद के लिए आएगा, इधर मुस्लिम कंट्रीज आएंगी? देखिए चाइना तो है वो थाली का बैंगन, ठीक है, घूम के इधर घूम के उधर, ठीक है, कभी उसने जी पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो कभी जी उसने उसको सपोर्ट करना है, इंडिया को सपोर्ट करना है, ठीक है, उसको नहीं सपोर्ट, इंडिया को नहीं उनकी सपोर्ट चाहिए। वो एक है न्यूट्रल कंट्री, ठीक है, जो किसी के खिलाफ भी नहीं है और किसी के ज़्यादा हक में भी नहीं है, ठीक है, वो सबको सपोर्ट कर रहा है फिलहाल। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ऐसा कुछ होगा, ठीक है, पाकिस्तान अपने ही कदमों पे है इस टाइम और अपना इसको खुद ही करना चाहिए। वाम जो होती है ना वही पार्टी बनाती है, वही पार्टी को ख़त्म करती है, इदारे उधरे नहीं ख़त्म कर सकते। मसला ये कि जब अकेले बैठे को बंदे को जब ये समझ आएगी महंगाई कोई 10 रुपये बढ़ी है, फिर वही डिप्रेशन कि यार इस हुकूमत ने क्या किया। अगर एक दिन वो कहते हैं कि इसमें हम रिलीफ दे रहे हैं एक चीज़ पे, 10 चीज़ों पे रेट बढ़ा देते हैं, तो फिर आवाम क्या करेगी? वो तो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है तो और मज़ीद बढ़ेगी, तो फिर ये पाकिस्तान पाकिस्तानी ना पागलखाने बन जाएगा, फिर तो यही हो सकता है और कुछ भी नहीं। ये मुझे बताएं, हम आपने भी अपने बचपन से ये बात सुनी होगी, मैंने भी सुनी है कि पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है, हम लोग किसी को भी आंखें दिखा लेंगे, आपको लगता है हम आंखें दिखा सकते हैं, किसी भी कंट्री को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लगता है आपको? हम खुद मुख्तारी नहीं है यहाँ पे, खुद मुख्तारी होगी तो किसी को आंखें दिखाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी से उधार पैसे लेने हैं तो मैं क्या आंखें दिखाऊंगा उसको? दिखा ही नहीं सकता। खुद मुख्तारी इनके पास है ही नहीं है और खुददारी भी इनके पास नहीं है। अगर कर्ज भी दे देना तो हमारे ऊपर से ये महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि हर प्रोग्राम के IMF के प्रोग्राम के साथ शरायत तो यही होती है कि टैक्स ख़त्म करें, इनको रिलीफ जो दे रहे हैं वो ख़त्म कर दें, तो रिलीफ जो ख़त्म होगा, जो हमें रिलीफ मिलता है थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये अब इससे ज़्यादा क्या है कि अब हवा पर भी ये टैक्स लगाएंगे इंशाल्लाह, आने वाला है वो भी वक्त, लेकिन कितना होगा आखिर तक? तो आवाम जो ना पागल हो जाती। फिर 25 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम है जिसमें से अकेले 4 करोड़ पाकिस्तान के अंदर ही भिखारी मौजूद है, जो बाहर की कंट्रीज़ में है वो अलग करोड़ों की तादाद में, जो रिकॉर्ड में नहीं है उसी में 8 करोड़ लोग पागलखानों में भी चले गए हैं, तो बाकी के बच्चे कितने भाई? एक मैंने प्रोग्राम देखा था शाहिद मसूद साहब का, तो वो कह रहा था कि अगर हम मदीना की रियासत के मुताबिक मुल्क को दुरुस्त करें ना तो 19 करोड़ लोगों को है ना हाथ पैर काटने पड़ेंगे, टुंडे लूले लंगड़े नज़र आएंगे, क्योंकि ये चोर हैं सारे। अच्छा। ये सारे चोर हैं, बाकी 4-5 करोड़ बचेंगे वो क्या कर लेंगे यार, फिर उन टुंडों को लेके हम कहाँ पे जाएंगे? जो हालात हैं ये मुल्क टूटने के करीब है। अच्छा। कुछ से मस नहीं हो रहा, जो हालात बलोचिस्तान में है, किस तरह लोगों पे जुल्म हो रहा है, किस तरह उठा के मारा जा रहा है, अब जो KPK में शुरू हो गया, उसके बाद अब पंजाब में जो जुल्म शुरू हो गया, ये अब तो बच्चे के डाकू भी आ गए हैं सारा, ये एक सोची समझी साजिश के तहत है, इकॉनमी बर्बाद कर दी गई है या हो गई है या कर दी गई है, ये इसीलिए है कि मुल्क में इंतजार फैले, लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़े, अदारों को पकड़े, ये इसलिए सब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये लोग कर रहे हैं किया जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में कौन सोचेगा टेक्नोलॉजी का, मतलब इस टाइम हम ये सोच रहे हैं कहीं पाकिस्तान ना टूट जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन हमें तो ये बताया गया ना हिंदुस्तान दुश्मन है, वो अंग्रेजों के जो गुलाम है ना वो हमें बता रहे कि हिंदुस्तान दुश्मन, वो जब भी आप अब तारीख उठा के देख लें जब से ये पाकिस्तान बना, जब भी को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया, ठीक है, उसने एक लफ्ज जरूर कहा क्या, ये मजबूत हाथों में है, कोई मैली आंख से ना देखे इधर।